लो हो गया कांड। हेलो एंड वेलकम टू बीइंग क्यूरियस गाइस। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ पिरेली रोसो डियाब्लो 2 टायर्स के साथ, जो लगभग मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। तो जो पेपर पे है मैं आपको ब्रोशर रीड करके नहीं बताने वाला हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिरेली के साथ वो आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। तो उसके प्रोज कॉन्स दोनों बताऊंगा, अगर कॉन्स कुछ है तो। उसके साथ साथ मैं जो नया टायर यूज करने वाला हूँ, दैट इज अपोलो अल्फा H1, उसका लेने का रीजन ओवर एंड अबव पिरेली, क्यों मैं पिरेली को ना चूज करके अभी उसको चूज कर रहा हूँ उसका रीजन बताऊंगा, और हो सके तो अपना बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन देने की कोशिश करूंगा आपको यही वीडियो के थ्रू अपोलो अल्फा के लिए। तो चलो शुरू करें। तो जब मेरे स्टॉक MRF ख़राब हो गए थे लगभग 17,000 किलोमीटर पे, मेरे को एक अच्छे रबर्स की ज़रूरत थी जो मेरे को रोड पे इनफ ग्रिप प्रोवाइड करें वाइल ब्रेकिंग ऑल्सो, जो डोमिनर का एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है ब्रेकिंग। तो मेरे पास दो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किए थे, दैट इज़ मेटजेलर एंड पिरेली। तो पिरेली के बारे में मैंने कम बुरा सुना था मेटजेलर से, तो इसलिए मैंने पिरेली चूज़ किया। इवन डीलर रिकमेंडेड मी पिरेली, उसके पास दोनों थे, तो ही वॉज बिट ऑफ अनबायस्ड, तो उसने मेरे को बोला कि पिरेली रोसो 2 इज़ द बेस्ट। मैंने ठीक है ये ट्राई करते हैं, तो मैंने पूरा सेट चेंज किया। द फर्स्ट थिंग यू विल ऑब्जर्व इज हाउ अजाइल दिस टायर्स आर, मतलब डोमिनर एक हैवी व्हीकल है, ठीक है। तो सबसे पहले लगाने के बाद आपको जो इमीडिएट चेंज महसूस होगा कि आपकी गाड़ी काफ़ी अजाइल हो चुकी है और एकदम zip-zap टर्न हो रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में 2 दिन मुझे भी लगे थे वो अजिलिटी के साथ कोप अप करने के लिए, इट वॉज अ बिट स्केरी एट सम मोमेंट। तो दैट इज समथिंग दिस टायर डज टू योर बाइक। जैसे इसके जो ये काफ़ी हद तक इनसाइड कर्व्ड है, तो जो है मतलब साइज सेम है MRF की तरह या मिशलिन की तरह 110, बट जो इसका प्रोफाइल है वो काफ़ी कर्व्ड है। वो कर्व्ड होने की वजह से तो बाइक की एजिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, और बिलीव मी एक बार इसकी आदत हो गई तो दूसरा टायर यूज़ करना मुश्किल है। दूसरा जो इसका प्लस पॉइंट है, जो पेपर पे पिरेली भी लिखता है, दैट इज ग्रिप, वेट एंड ड्राई ग्रिप। में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ड्यूल कंपाउंड से बना हुआ टायर है, बीच में ये कार्बन यूज किया हुआ है, साइड में सॉफ्ट सिलिका यूज किया गया है ताकि आपके कॉर्नरिंग पे आपको बहुत अच्छे से सॉफ्ट ग्रिप मिलती रहे, और बीच में कंपेरेटिवली हार्ड कंपाउंड है कार्बन जो आपको माइलेज दे। ग्रिप के बारे में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊँ तो 1.5 साल में हर टाइप की रोड पे मैंने इसको चलाया हुआ है, मेरे को आज तक इसने एक जगह भी डिसअपॉइंट नहीं किया, चाहे सड़क गीली हो चाहे सूखी हो चाहे ऑफ रोडिंग हो थोड़ी बहुत वाली, बट काफ़ी हद तक इसने मेरे को आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया है। एक जगह भी मेरे को स्किड नहीं हुई है गाड़ी का, भी कभी ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ कि टायर ग्रिप छोड़ रहा है, चाहे मैं 130 पे हूँ या 150 पे हूँ, मेरे को टायर की वजह से आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ग्रिप येस थम्स अप सॉलिड है। रही बात जो इसका जो बीच में थोड़ा कंपैरेटिवली हार्ड कंपाउंड यूज़ करने की वजह से जो माइलेज की बात करें, तो सरप्राइजिंगली ये 18,000 किलोमीटर चल चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 18,000 किलोमीटर, जो मैंने भी खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था 12,000 चल गया तो बहुत बड़ी बात है, बट ये अभी 18,000 पे। आगे वाला तो अभी भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कंडीशन बहुत बढ़िया है इसकी। पीछे वाला मेरा मल्टीपल पंचर हो गए हैं, जो अब बता चुके हैं कि टायर की लाइफ जा चुकी है, भले ग्रिप बची है बट मैं चला नहीं पाऊंगा उसको रिपेयर कर करके। एक पंचर थोड़ा ज़्यादा ही डेंजरस हो रखा है, तो और मेरी अपकमिंग राइड आ रही है लगभग 600 किलोमीटर की, मेरी सोलो राइड पहली है, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए मैंने नया टायर ऑर्डर कर दिया। जो और चौथा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है, दैट इज़ इसकी हाई स्पीड की स्टेबिलिटी। तो दिस इज़ अ एच रेटेड टायर, एच रेटेड का जो 210 तक का लिमिट होता है, विच इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर डोमिनर। तो एच रेटेड टायर के हिसाब से, और अंदर जो इसका जो स्टील लेयर है, स्टील मैश का एक जो लेयर है, जो 0° बेल्ट बोलते हैं जैसे रेडियल टायर में, तो रेडियल में स्टील के साथ ये आपको हाई स्पीड्स पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि ये जो अपना जो शेप है, ठीक है, वो हाई स्पीड्स पे भी छोड़ता नहीं है, जो ये इसका स्टर्डीनेस है वो रहता है। तो एक इसकी एक और वो बेनिफिट है कि हाई स्पीड पे बहुत अच्छे से स्टेबल है, कभी धोखा नहीं दिया। अगर इसका कुछ बुराई है तो दैट इज़ only price, but I think that is still justified given the price, कि 6,600 में मैंने ये टायर ख़रीदा था, पीछे वाला एटलीस्ट जो मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूँ अपोलो से, तो अपोलो इज़ एट 5,600 रुपीज़ और पिरेली 6,600 का है, बट अब पिरेली मेरा 18,000 किलोमीटर चल चुका है दोस्तों। तो आई रियली डोंट थिंक इट, मेरे को तो आई डोंट माइंड पेइंग दैट मच फॉर 18,000 किलोमीटर्स फॉर अ टायर लाइक दिस, बट येस
कंपेरेटिवली विद अदर ऑप्शन लाइक C8 एंड MRF, दिस इज अ कॉस्टली अफेयर. तो दैट कैन बी द ओनली कॉन आई नोटिस. तो जब टायर इतना अच्छा है, इतने सब पॉजिटिव ही अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर चेंज क्यों कर रहा है अपोलो पे. दो कारण है मेजरली. एक, टायर्स के इंपोर्ट इंडिया में बंद हो चुके हैं सिंस जून, जिस वजह से मार्केट काफ़ी हद तक स्टॉक आउट है. मुझे अभी भी पिरेली रोसो DW2 मिल रहा है, बट दैट इज़ अ मेक ऑफ 2017, विच इज़ फेयर इनफ. आई कैन यूज़ इट, बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये टायर डलवाए थे तो एकदम फ्रेश 2019 के टायर थे, 2019 में ही खरीदे हुए. आई थिंक दैट माइट बी दी वन ऑफ द रीजन इस वजह से इतना लंबा चल पाए. आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, बट मेरे को फ्रेश टायर्स चाहिए थे. और फ्रेशनेस के साथ जो मेरे को अभी अपोलो मिल रहा है वो अक्टूबर 2020 का मिल रहा है, विच इज एज गुड एज अभी बेक होके बाहर निकला है. ये देखिए 41 वीक ऑफ 2020, तो इतना फ्रेश टायर मेरे को अभी मिल रहा है तो क्यों नहीं. एक रीज़न ये है अपोलो पे शिफ्ट होने का, क्योंकि इम्पोर्टेड टायर्स अभी मिलना बंद हो गए हैं, विच इज़ अ सैड पार्ट, कांट हेल्प इट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेकेंड पॉइंट इज मोर वैलिड फॉर यू गाइस, दैट इज ऑन पेपर दोनों टायर में मेरे को फ़र्क नहीं नज़र आया. ऑन पेपर जो पिरेली चीज़ें अपने टेक्नोलॉजी के वाइज क्लेम करता है वो सेम है अपोलो में. इनफैक्ट दिस इज़ अ डब्ल्यू रेटेड टायर विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 270 km/h स्पीड. लोड बेयरिंग दोनों की सेम है 66, तो दे कैन कैरी सेम वेट, बट हाई स्पीड्स पे ये कैपेबल है एटलीस्ट ऑन पेपर. रही बात ड्यूल कंपाउंड की, तो अपोलो भी ड्यूल कंपाउंड यूज़ करता है, बीच में कार्बन, साइड में सिलिका. रही बात स्टेबिलिटी की, जो एक 0° स्टील प्लेट से आती है, स्टील बेल्ट से आती है, वो अपोलो में भी है. टेक्नोलॉजी वाइज आई डोंट फील एनी डिफरेंस. द ओनली डिफरेंस आई कैन टेल यू राइट नाउ इज पेपर अलग होता है, रियलिटी अलग होती है. तो जब तक चलाएंगे नहीं तो पता चलेगा नहीं, तो एक बार मेरे को इसको लगा के आने दो, चला के आपको मैं फर्स्ट इंप्रेशन देता हूँ, उसके बाद लेट्स सी कि इज इट द सेम टायर ऑन पेपर एज पिरेली. टाटा. तो परसों मैंने टायर फिट किया था, उसके बाद मैं बाइक चला नहीं पाया, और आज हम संडे को लगभग 250 किलोमीटर की राइड पे जाके आए हैं नए टायर के साथ. तो इनिशियल इम्प्रेशन का जो फीडबैक है अपोलो का, तो जो भी अपोलो ने क्लेम किया हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह वो सब, यस आज मैंने नोटिस किया हाई स्पीड पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. ग्रिप एकदम बढ़िया है, ऑलमोस्ट हर टाइप के खड्डे खुड्डे वाले रोड से लेके अच्छे रोड्स तक जहां हम स्प्रिंट मार पाए. ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाई, 100-120 तक गई होगी गाड़ी, बट कहीं भी एक जगह भी प्रॉब्लम टायर ने तो नहीं दी. छोटे मोटे गड्ढे भी आराम से पता नहीं चलने दे रहा है, थोड़े बड़े गड्ढों में यस पता चल रहा है. अगर पिरेली से इसको कंपेयर करूँ तो एजिलिटी में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, पिरेली जितनी एजिलिटी नहीं है. थोड़ा वो जो जैसे पहले फिकल होती थी बाइक पिरेली के साथ, वैसे अभी नहीं हो रही है. थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है गाड़ी को ऐसे घुमाने में, खास करके सिटी में. बट एक एडिशनल चीज़ उसके साथ जो पिरेली से अगर कंपेयर करते ही, एक एडिशनल चीज़ जो अपोलो में दिख रही है, नोटिस हुई जो मेरे को आज की राइड में, दैट इज़ लीन बहुत अच्छे से हो रही है गाड़ी. मतलब जितना मैं पिरेली के साथ मैं यूज़ टू हूँ कि गाड़ी कितने हद तक झुक सकती है, उतना तो मैं झुका चुका था उसके बाद भी, और झुकने के लिए रेडी थी गाड़ी. मेरे में हिम्मत नहीं थी और झुकाने की, बट गाड़ी एकदम आराम से कॉर्नर में चली जाती है अच्छी स्पीड पे, और कॉर्नर से निकल भी जाती है. मतलब लीन करने में मज़ा आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और इतना कॉन्फिडेंट होके मैंने आज तक लीन नहीं किया होगा जितना आज ये टायर्स घट किया. मे बी आज फ्रेश टायर्स हैं, बट फिर भी पिरेली भी कम नहीं था. तो ये मेरे थॉट्स हैं तो अपोलो अल्फा के बारे में. तो अभी ये 250 किलोमीटर की राइड के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो गुड टू गो टायर है, प्रॉब्लम नहीं है, ग्रिप सॉलिड है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी सॉलिड है. मैं तो रिकमेंड करूँगा. और एनी विच वेज आजकल ऑप्शन नहीं है प्रीमियम टायर्स खरीदने का, क्योंकि इम्पोर्ट बंद हो चुका है. तो आई थिंक
अपोलो इज़ अ गुड टू गो टायर अभी के लिए। लॉन्ग टर्म में देखें, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई विल श्योरली अपडेट यू गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।